आज ये बड़ी खुशी की बात है कि दो साल के अंदर इस क्षेत्र के माननीय विधायक राजपाल बालियान जी ने जो काम किए वो सब पंचायत में सब लोगों के सामने खोल दिए। अब कोई ये नहीं कह सकता भाई गाँव में काम नहीं होगा। लोग बाग कहते थे किसी भी गांव में जाने के बाद, देखो जी यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, देख ले भाई ये बड़ा सिला पट। 70 गांव में विकास हुआ दो साल के अंदर, अभी 3 साल बाकी है, बल्कि 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। इसके साथ साथ जो सड़कें हैं, जो जिन सड़कों पर काम किया वो सड़कें भी सामने आपके सामने लिखी हुई, और मुझे पता है इस बात का कि इन सड़कों के साथ अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो यहाँ पे नहीं लिखवाए गए, लेकिन भाजपा के लोगों ने पत्थर अपने लगवा दिए होंगे। लेकिन जब यहाँ भाजपा का विधायक नहीं है तो पत्थर कैसे लगवाएगा भाई? ये बहुत बड़ी विडंबना है। जिला पंचायत के सदस्य बैठे, जिला पंचायत के मौजूदा सदस्य यहाँ पे है, भूतपूर्व सदस्य के पत्थर लगे लग रहे हैं, तो भाई यहाँ कुछ भी हो सके, कुछ भी हो सकता है। काम लाएंगे विधायक जी और पत्थर लगवाएंगे वे लोग, तो भाई इनसे सावधान रहो। विधायक जी ने अपना सब उल्लेख कर दिया, ये सब सड़कें विधायक जी ने बनवाई। बुढ़ाना क्षेत्र में अब कोई भी काम होगा तो क्षेत्र के विधायक को सरे जाएगा उसको, कोई झूठ बोलता हो उसके झांसे मारने की आवश्यकता नहीं। तो बहुत बड़ी बात है विपक्ष में रहकर इतना बड़ा काम विधायक जी ने किया। इस जनपद में जो समस्याएं हैं, जिला पंचायत के 4 सदस्य मौजूद हैं, 1 पैसे का काम नहीं मिला पिछले 3 साल के अंदर, 1 पैसे का काम। इनके क्षेत्रों में काम होते हैं, इन्हें काम नहीं दिए जाते। भाई हम यूं कहते हैं मंचों पे कि राष्ट्रीय लोकदल का जिला है, ये बात सही है। यहाँ पे शामली में मुजफ्फरनगर में 9 में से 8 एमएलए हुआ है, लेकिन भाई एक बहुत बड़ी अड़चन आपके बीच में है। जो अड़चन आपके बीच में है, जो हर जगह आपको बाधा देने का काम करती है, मैं आपसे निवेदन करूंगा भाई इस बाधा को हटा दो, इस बाधा को हटा दो। और मैं आपसे वादा करूं, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूं, आपके बीच का सदस्य हूं, प्रत्येक आदमी को जानता हूं, आप भी मुझे जानते हो। प्रत्येक गांव में हम आपके बीच में आ जा चुके, प्रत्येक मैं विधायक जी डोर टू डोर आपके बीच में जा चुके, हर आदमी को जानता हूं। हथौली क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका, शहर में रहता हूं, किशनपाल चेयरमैन जी यहां मौजूद है, हम शहर विधानसभा के सारे गांव में जा चुके, कई चुनाव लड़वा चुके। तो भाई पार्टी की मजबूती के लिए 24 घंटे आपके बीच में खड़ा हूं। अब मैं आपसे वादा करूं कि जो बाधा आपके बीच में ये खड़ी है, 2024 में निश्चित रूप से इस बाधा को हटा कर रहेंगे, निश्चित हटा कर रहेंगे। हम सब एक हैं, पूरी पार्टी एक है, नेता का आदेश का सम्मान करेंगे, लेकिन भाई आप सब लोग भी इकट्ठा रहो, आपकी ताकत, आपका संगठन ही हमारी ताकत है। आज मैं विधायक जी को इस मंच से जो है बधाई देता हूं, और भाई एक बात और कहना चाहूंगा, चाचा भतीजा दोनों बैठे यहां, एक अभी एक की ताकत ज्यादा हो जा, विधायक जी तो विधायक बन लिए, मेरा भी सोच लियो, ठीक है नहीं? तो चुनाव लड़ने की इच्छा है लोकसभा की, यहां की मिट्टी में पैदा हुआ, यहाँ के गांवों में काम किए, 36 कौम के बीच में रहता हूं, चुनाव लड़ने की इच्छा है। भाई भाइयों 36 कौम यहां बैठी, यदि आप लोग कहो तो आगे कदम बढ़ाओ, बताओ आप कहो तो कदम बढ़ाओ। धन्यवाद जी, जय जय हिंद, जय भारत।